हेलो टीम फिजिक्स तो डियर इस सेशन में हम आपके लिए डीसीएम का हमारा जो पहला पेपर हुआ है फिजिक्स का वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन इसमें केवल प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर अपन बोले तो काइनेमेटिक्स जो है उसका सॉल्यूशन लेकर आए काइनेमेटिक्स के पेपर का ये डीसीएम का हमारा पहला पेपर है डीसीएम डेली कम मेजर टेस्ट सीरीज है हमारी जेई के लिए भी और सेपरेटली नीट के लिए भी तो जेई की जो टेस्ट सीरीज है उसमें दिल्ली के जो पेपर्स होंगे वो एडवांस ओरिएंटेड होंगे उसके अलावा जो संडे को मेजर होंगे वो बेटा जी मेंस प्लस एडवांस दोनों टाइप के उसमें पेपर होंगे कंप्लीट सिलेबस को हमने 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपका रिवीजन जो है वो एक बेहतरीन फॉर्म में कंप्लीट हो सके तो चलिए सर हम अपने पहले पेपर के साथ पहले वाले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं इस पेपर में वैसे तीन सेक्शन है सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन डी सेक्शन ए में हमने 15 क्वेश्चंस रखे हैं सेक्शन बी में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सेक्शन डी जो है उसमें 10 इंटीजर वाले क्वेश्चन है हम पहले वाले क्वेश्चन सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है ए बुलेट इज फाइड फ्रॉम हॉरिजनटल ग्राउंड एट सम एगल पासिस पॉइंट थ्री आर बाई फोर को आर बाई फोर

प्रोजेक्शन पॉइंट जो है ना उसको ओरिजिन माना है मतलब प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट हो गया जीरो, जीरो और पार्टिकल जो है वो पॉइंट एक कोई पॉइंट है ना इससे करता है देखो ओवरऑल में बोलू ना तो अपना पार्टिकल जो है यदि इस वाले point से से कर रहा है है तो ये जो point है, मतलब symmetry से बात करें तो ये जो डिस्टेंस होती है ये आर बाई टू होती है

इज़ द इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन फॉर्म ऑफ रेंज और बॉडी जो है तो यदि एक्स अपोन आर एक्स इज थ्री आर बाई फोर इन टू में रेंज कैपिटल आर बोलो ठीक चलिए आर बाई फोर से आर बाई फोर शहीद हो गया ये वाला डाटा वन बाई थ्री इज इक्व टू टेन टीटा

नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है जिसमें बॉडी को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दैट अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द फ्रॉमिजल फ्रॉम पॉइंट ए व्हिच इज एट हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड कि एक बॉल को इस वाले पॉइंट से 20 मीटर के हाइट वाले पॉइंट से ग्राउंड से अपन ने ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थर्टी डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया the B, same level पर है ठीक है एंड वी हैतलानी है ठीक है।, है सर तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कहा क्या जा रहा है फिर अपन समझेंगे अप्रोच कैसे लगाएंगे देखिए बॉडी को यहां से अपन ने 20 मीटर पर सेकंड से और 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है तो बॉडी जो है वो इस वाले पर आकर स्ट्राइक कर रही है। इस वाले वाले पॉइंट पॉइंट पर पर आकर आकर स्ट्राइक स्ट्राइक कर कर रही रही है है तो ये इसकी ग्राउंड पर रेंज हो गई मतलब मेरे को ये रेंज कैलकुलेट करनी है इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि ये वाली जो रेंज होती है वो सब ओरिजोनटल वेलोसिटी इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट होती है बहुत सिंपल सा है कि वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट

तो हमने कहा y कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन लिखी जाती है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन इज़ y वैल्यू तो यहां से सोल्व किया तो मेरे पास टी स्क् माइनस टू टी माइनस में फोर इज इक्व टू जीरो नाउ दिस इक्वेशन

जीरो फाइव मीटर तो यदि अपन अपने आंसर में बात करें ना डियर तो सेकेंड वन इज दी करेक्ट आंसर बोलिए ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री में देखो डियर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा जा रहा है एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के मोशन पर बेस्ड है

के में body की speed की value हमने कहा मान लो टोटल डिस्टेंस जो है वो s है तो ये डिस्टेंस होगी s बाई थ्री और इसमें इसकी स्पीड है टू एस बाई थ्री अब इसमें डियर हाफ टाइम जो है ना

फोर बाई थ्री प्लस वी टू तो एलसीएम लेकर यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो एवरेज स्पीड की वैल्यू मेरे पास आ रही में V1 plus V2, और सर इधर कर लो इसको कि दिस विल बी स्पीड ऑफ बॉडी फॉर कंप्लीट टाइम ऑफ मोशन चलिए सर यदि अपन यहां से करेक्ट आंसर की अपने बात करते हैं डियर तो थ्री वी नोट वी वन प्लस ओके okay डियर अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है देखिए जनरली क्या है हमने इस पेपर को नाम अभी बच्चों का मेंस का भी पेपर हुआ नहीं है तो मेंस प्लस एडवांस्ड मतलब दोनों ही चीजें कवर करने की कोशिश की है मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो काफी इजी हैं और कंपेरेटिवली मेंस के पेपर में कई दफा ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए

जैसे ये दिखा तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया को माइनस सेवेंटी है। है। तो हाँ बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन के आ गई अपने पास। यदि मैं वाई के प्लेस पर 76 करता हूं, तो वो ये वाला टाइम है जिस टाइम पर बॉडी कहां पर रही है टाइम कितना दिया आपको सिक्स सो इट इज सिक्स यू माइनस माइनस में में 5 में में का स्क्वायर। चलिए जी सर। यहां से 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 यदि इसको सोल करते हैं हैं तो तो और डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। इट स्पीड ऑफ़ प्रोजेक्शन जो मेरे पास आ रहा है रिलीज मतलब किया गया था 52 3 second, नेगेटिव आता ना यदि नेगेटिव आता तो आप बोल देते डाउनवर्ड मोशन में था पॉजिटिव आया मतलब बॉडी अपवर्ड मोशन में है पक्का चलिए जी सर तो यदि अपन यहां से करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इस दी करेक्ट आंसर डियर आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते फिगर

एरिया होती है वेलोसिटी क्या होती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया पहले वाली बॉडी का यदि मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखता हूं सुनना डियर बात को जरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो पहले वाली बॉडी का इनिशियल एक्सेलरेशन ए वन है और इसने टी टाइम के अंदर वीएम स्पीड अटेन की है मैक्सिमम स्पीड तब तक जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब टी टाइम तक इस वाले पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम होगी तुमने कहा यहां से 1/2 a1 into t एरिया अंडर एटी कर्व इज द स्पीड तो वो vm के इक्वल आ गया दूसरे वाली जो बॉडी है ना डियर उसका ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये एक्सीलरेशन है a2 और ये वाला जो टाइम आपको दिया गया ना डियर ये टाइम है t 2 तो इस ग्राफ का जो एरिया है इस ग्राफ का एरिया मेरे पास आया 1/2 a2 into में t 2 और वो जो है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है मतलब ये वाला डाटा आ गया vm by 2 पोलिटिक

एक बॉडी को

और इस वाले इंस्टेंट पर ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल फाइव है तो ऑब्वियसली देखो इसका एक्सिलरेशन जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी इधर होता है अब मैं क्या करने जा रहा हूं उस एक्सिलरेशन के दो कंपोनेंट लेने जा रहा हूं ना एक ले रहा हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक ले रहा हूं रेडियल डायरेक्शन मतलब जो वेलोसिटी के अलोंग है वो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होगा और वो स्पीड के वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और जो रेडियल डायरेक्शन में होगा उसके बेसिस पर अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। में ऐसा क्वेश्चन एक्सीलरेशन होगा इधर वाला तो रेडियल एक्सिलेशन होगा मेरा और उस रेडियलेशन की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट विल बी जी को इधर वाला जो होगा इधर वाला मेरा टेंजेंशियल एक्सीलेशन होगा और उस टेंजेंशियल एक्सिलेशन की वैल्यू आएगी जी साइन फाइव मेरे को बतलाना था कि एक्चुअली कौन सा एक्सिलरेशन टेंजेंशियल है सबसे पहले तो तो वो जी साइन फाइव के इक्वल है और उसका मैग्नीट्यूड तो प्लस और माइनस का तो मुद्दा ही नहीं रहा जीवन में ना अब सोचो जब बॉडी को अपन यहां से प्रोजेक्ट करते हैं और जब बॉडी यहां तक पहुंचती है तो इस टाइम ड्यूरेशन में जब भी अपन एंगल की बात करते हैं ना तो पहले तो ये जो एंगल फाइव है ये थीटा से जीरो तक जाता है फिर जीरो से माइनस थीटा तक जाता है मतलब पहले टेंजेंशियल एक्सिलरेशन अब देखो फाइव यदि हमारा टेंजेंशियल है कितना उसकी बात करें हमारा जो है वो जी साइन फाइव है ना बोलो ठीक अच्छा अब इन फाइव यदि इंक्रीज करेगा तो जी साइन फाइव ज्यादा होगा फाइव डिक्रीज करेगा तो जी साइन फाइव डिक्रीज करेगा तो शुरू में तो फाइव डिक्रीज करता है

ऐसा सा बनेगा। अब टाइम टाइम के 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 साथ साथ यदि आप इसको बनाना चाहो तो टेन की इक्वेशन अपन अपन देख सकते हैं हैं कि जो जो होता होता अच्छा, होता है न, होता है होता है। न, है है डायरेक्शन ऑफ मोशन जिसमें बतलाते उसकी वैल्यू किसके इक्वल इक्वल होती होती अच्छा आपका ना वो थीटा क्या तो यहां से मैं बात डिवाइडेड बाई यू को आगे। तो obviously time के साथ पहले होगा की ये वाली निकल कर आगे। बोलो ठीक है? तो first decreasing, then increases, zero, reach करेगा, तो करेगा। यदि अपन यहां से करेक्ट ग्राफ की बात करते हैं बेटा तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर बोलो ठीक चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नंबर सेवन एक अच्छा क्वेश्चन है है मिनिमम सेपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए में क्या कहा गया कि पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग वेलोसिटीज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली पार्टिकल ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ उनके बीच सेपरेशन का ग्राफ कैसा होगा देखो यदि मैं इनके सेपरेशन की बात करता हूं वैसे ये वाला क्वेश्चन अपन बहुत दफा करते हैं और इसमें अपन मिनिमा एक अचीव करवाते हैं कि जब बॉडी जो है ये बॉडी ए जो है वो इधर वाली डायरेक्शन में मूविंग है और ये बॉडी बी जो है वो इधर वाली डायरेक्शन में मूविंग है लेट सपोज इनिशियली इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -d1, जीरो है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो 0, -d2 है इसकी स्पीड इधर है v1 और इसकी स्पीड इधर है v2 तो आफ्टर t टाइम t टाइम बाद यदि मैं बात करूं तो ये वाली बॉडी यहां होगी और इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस में d1 v1 t जीरो बोलो सही d टाइम के t टाइम बाद t टाइम में बॉडी ने इधर ट्रेवल डिस्टेंस कर ली v1 into t दूसरा t टाइम के बाद ये वाली बॉडी जो है यह अपवर्ड मूव कर चुकी होगी कितना v2 into t तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0 कोमा माइनस में d2 minus v2 into t तो यदि इनके बीच सेपरेशन की इक्वेशन लिखना चाहूं ना तो सेपरेशन की इक्वेशन d1 माइनस में v1 into t का स्क्वायर प्लस में d2 माइनस में v2 t का स्क्वायर ये मेरे पास दोनों के बीच सेपरेशन की इक्वेशन आ गई तो आप इस इक्वेशन के बेसिस पर ग्राफ बना सकते हैं यहां से देखते ना तो मिनिमा आता है दोनों के बीच अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा मैं एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखना चाह रहा हूं मान लो कि यदि ए बी को देखता है ए इज द एंड बी इज दी तो को ईस्ट और साउथ

ट वाई कोर्डिनेट पॉजिटिव एक्स कोर्डिनेटेटिव इनिटी एंड इट्स वेलॉसिटी मे बी अलॉन्ग दिस लाइन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन जीरो आ जाए यदि कब होगा ऐसा जब डियर डी वन बाई वी वन और डी टू बाई वी टू इक्वल होंगे ना तो ये दोनों दोनों एक साथ मतलब देखो इसको इसको करने करने में में कितना कितना लगेगा वन इसको डिस्टेंस करने में कितना लगेगा यदि वन और इक्वल होंगे तो ये exactly एक्जेक्टली के साथ कोलाइड करेगा मिनिमम सेपरेशन जीरो भी जाएगा अदरवाइज मिनिमम सेपरेशन जीरो नहीं जाता है इनके बीच में यहां पर एक अपने को मिनिमा ऑप्टेन होता है इस वाले पॉइंट पर मतलब उनके बीच सेपरेशन फर्स्ट इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है और एक उनके बीच मिनिमा आता है तो ग्राफ की यदि मैं बात करूं तो डियर इनके बीच सेपरेशन का टाइम के साथ जो ग्राफ आएगा सेपरेशन सेपरेशन वर्सेस टाइम टाइम का का के साथ ग्राफ कुछ इस टाइप आएगा फर्स्ट मिनिमा अचीव करेगा अब देखो थर्ड वाले ग्राफ में क्या एक्चुअली ऐसे दे रखा है साथ में तो फिर वो एक बार मिनिमा अचीव हो गया ना उसके बाद सेपरेशन हमेशा इंक्रीज करेगा तो फिर ग्राफ ये वाला नहीं होगा तो यहां से यदि मैं बात करूं तो डियर

मैन इन कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन ड्रॉप्स एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी और एक बंदा जो है उस ट्रेन में एक स्टोन को ड्रॉप करता है पार्टिकल एन बाई दर्सन दिस बंदे ने स्टोन को ड्रॉप किया है यदि वो पार्टिकल के पाथ को देखता है तो उसे पार्टिकल का पाथ कैसा नजर आता है उसके बारे में बात करनी है हमने कहा आप देखो ऐसा जैसे ही स्टोन ड्रॉप हुआ तो उस टाइम ट्रेन के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी तो स्टोन की जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो half square से नीचे की तरफ माने तो मोड को है ना और पर्सन का वाई कोऑर्डिनेट चेंज होना नहीं है तो जो स्टोन का वाई कोर्डिनेट दैट इज आल्सो द दाई कोऑर्डिनेट ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन क्योंकि पर्सन स्टैंडिंग है स्टोन यदि पर्सन मूव नहीं करता सोचो

इनिशियली मैं कहूं इट कहूट हाफ एम यू स्क्वायर प्लस में जीरो बाद में अपने पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में एम जी एच तो देखो बिटू एम तो हो गया सही था आपका यू स्क्वायर माइनस टू जी एच जो आ रहा है ना वो बिटू वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से पहला अप्रोच तो ये आ गया यू और वी में रिलेशन अब यदि मैं if, मैं इफ वी की कोई वैल्यू U की टर्म्स में पुट कर देता हूं तो U आ जाएगा H की टर्म्स में। में अप्रोच समझ आया? ठीक है है, है है। सब। तो तो मैंने कहा वो पर इस बॉडी की वेलोसिटी जो U U cos 60 है, बोले तो U by 2 है. और यहां पर बॉडी की वेलोसिटी जो है, है, वो V by root 2 है. V cos 45 बोलो हां की ना? सही बात है. और हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में

वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैसे प्रूव कर ले। चलिए। कोऑर्डिनेट की इक्वेशन होती है। में हाफ जी टी बोलो सही है? अच्छा अब इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सजा के लिखते हैं अपने ना? सजा के लिखा तो ये कुछ इस टाइप से अपने पास रिप्रेजेंट हो रही है ठीक है क्या अच्छा अब देखो इसमें दोनों टाइम इस नाउ दिस इक्वेशन टू सॉल्यूशंस

ये यहां से चला टीज इक्वल टू जीरो पर फोर मीटर पर सेकेंड से और ये यहां से एट बाई थ्री सेकंड में बात करोगे तो फोर इंटू एट बाई थ्रीट इज थर्टी टू बाई थ्री थर्टी टू बाई थ्री मीटर डिस्टेंस चलकर आ चुका है उस समय भाई साहब बी जो है वो चले a का एक है ए की वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है और बी का जो एक्सीलरेशन है वो मेरे को कुछ इस टाइप से दीवन है फोर थ्री माइनस टी ठीक है देखो यदि मैं एक की पोजिशन अब इसको मान लेता हूं लो टी जीरो पर चला तो वो एट बाई थ्री सेकंड पहले चल गया तो एक पोजिशन है फोर इंटू एट बाई थ्री जो इनिशियल पहले चल चुका है बी के स्टार्ट होने से पहले और बी जो है उसके एक्सिलेशन की इक्वेशन यहां से थोड़ा सा और सजा के लिखते हैं इसको ट्वेल्व माइनस चलिए सर तो यदि मैं इसको डीवीबी बाय डीटी लिखूं आई तो थिंक बहुत नॉर्मल से वे में अपन इसको 12t 2t2 लिख सकते हैं बोलो सही और यहां से बी की पोजीशन यदि मैं लिखना चाहूं तो बी की जो पोजीशन मेरे पास आती है दैट वैल्यू इज 6t2 माइनस में 2t3 डिवाइडेड बाय 3 बोलो सही है अच्छा अब देखो बेटा जी सबसे पहली चीज जो पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 11 में कि पार्टिकल बी जो है वो एक्स की किस वैल्यू पर स्टॉप हो रहा है पहले यहां से शुरू कर रहा है से आगे दोबारा जाकर वो एक बार में आ रहा है। तो जो में आ रहा है, वो कब आ रहा है तो मतलब ये तो वाला डाटा में सॉरी तो दो वैल्यूज आ गई पहले तो टी इज दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो सिक्स सेकेंड आ रही है ये कहा गया कि वो एक्स के किस वैल्यू पर रखेगा मतलब में तो क्यूब इंटू तो वन, तो वन बाई थ्री तो इसको मैं लिख सकता हूं थर्टी सिक्स इंटू में सिक्स बाई थ्री दैट इज टू दिस वैल्यू कम्स एस सेवन टू मीटर मतलब पार्टिकल जो है वो एक्स इज इक्व टू सेवेंटी टू मीटर पर दुबारा रेस्ट में आया बी पार्टिकल तो इस वाले के लिए यदि मैं बात करूं तो बेटा करेक्ट आंसर जो है 11 के लिए हो गया क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन ठीक है एक बार मैं टिक नहीं लगा रहा हूं आंसर पर आगे काम आएगा ना यार नहीं बेवकूफी वाला सा काम होता है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर ले बार-बार इक्वेशन निकालने से बढ़िया है यही काम आना है 11 12 में चलो 12 की बात करते हैं 12 में कह बोल रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल मीट्स ट्वाइस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मीट्स विल बी कि इस कंप्लीट मोशन में पार्टिकल दो बार मिलते हैं तो उन दोनों मीटिंग के बीच का टाइम इंटरवल कितना हमने कहा आप दो बार मिलते हैं तो अपन ये बोल सकते हैं आप दो बार पार्टिकल्स मिले इसका मतलब दोनों का जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा एक्स एज इक्व एक्स बी बोलो सही है क्या जहां मीट कर रहे हैं वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बोला इक्वल है है अब जैसे मैंने यहां रखा दिस वैल्यू इज फोर्टी प्लस इज इक्व टू और ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है एक्स की वैल्यू दैट इज सिक्स टी स्क् माइनस में टू टी क्यूबिडेड बाई थ्री बोलो सही है यहां से टाइम के दो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं अब देखो आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो मैं थोड़ा सा इस चीज को स्किप करते हुए चल रहा हूं कर लोगे यार बाकी तुमको चाहिए चाहिए तो और इसमें पुट करके देख लो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं ना इतना तो कर ही सकते हैं ना तो अपने पास टाइम की दो वैल्यूज आ गई टीज टू और टीज्स टू एट जिन पर दोनों पार्टिकल्स मीट कर रहे हैं और हमसे वो पूछा गया है कि वो जो टाइम इंटरवल है वो जो मीट कर रहे हैं ना उनके बीच का टाइम इंटरवल कितना है तो उनके बीच के टाइम इंटरवल की यदि आप बात करोगे ना तो सब बीच का टाइम इंटरवल हो गया 6 सेकंड्स 6 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन में दो बार मिलनी है वो क्लियर चलिए जी सर तो यहां से यदि मैं बात करूं बेटा तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 13 पोजीशन वेयर द टू पार्टिकल्स मीट्स फॉर द सेकेंड टाइम सेकेंड टाइम कहां पर मिले तो कहां पर मिले मतलब t कितने पर मिले 8 पर मिले 8 पर मिले तो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो तो ये ज्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को नहीं इसमें रख देता हूं मैं तो जैसे ही मैं रखूंगा दिस वैल्यू कम्स एज़ 32 प्लस में 32 डिवाइडेड बाय 3

तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बात को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि द करंट वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्रोज इन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बैंक एंड मैक्सिमम वैल्यू नॉट इन दिडल रिवर जो है ना उसकी वेलोसिटी उसके बैंक से डिस्टेंस के फॉर्म में उसकी डिस्टेंस दी गई है सी यहां पर रिवर की वेलोसिटी है जीरो यहां पर रिवर की वेलोसिटी है जीरो इंक्रीज कर दी और यहां पर रिवर की जो है, वो अपने को दी गई चलिए आगे देखें वी नोट इन दी मिडल। कि मिडल में ये जो है, है वो वी नोट है। आगे देखिए इसमें क्या है बोट इज मूविंग अलोंग द रिवर इन सच ए the boatman रोज his boat ऑलवेज perpendicular टू द करंट ओके मतलब हमेशा परपेंडिकुलर जा रहा है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज यू

यहां वाले पॉइंट पर वी नोट है और मेरे को इस वाले एरिया में इसकी ट्रैजेक्टरी चाहिए यदि मैं इसको ओरिजिन मान लूं स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन माना गया है दिस इज एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस है मेरे को वॉट की ट्रैजेक्टरी चाहिए अप्रोच कैसे लगाएं वॉट की ट्रैजेक्टरी चाहिए मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए तो मैंने कहा एक्स और वाई वेरी कैसे कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जो है ना बॉडी का

देखो बेटा सिंपल सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y की जगह जीरो पुट करके देखो vr की वैल्यू जीरो आ रही है y की जगह c बाई टू पुट करके देखो vr की वैल्यू वी नोट आ रही है मैं जीरो से c बाई टू में ही बात कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास वेलोसिटी जो है रिवर की वेलोसिटी ये आ गई और जो रिवर की वेलोसिटी होगी वही बॉट की वेलोसिटी होगी इधर वाली डायरेक्शन में क्योंकि बॉट वैसे तो परपेंडिकुलर जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ बॉट के बेसिस पर यदि अपन एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहे ना बॉट का तो वो डीएक्स बाई होगा और उसकी वैल्यू बेटा 2 v नोट y डिवाइडेड बाई c के इक्वल होगी चलिए अब मेरे को दोनों की इक्वेशन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर y और x में एक इक्वेशन चाहिए एक काम करो खट से डिवाइड मार दो जैसे ही खट से डिवाइड मारा तो झट से इक्वेशन अपने पास कुछ इस टाइप से निकल कर आ गई बोलो ठीक है क्या अच्छा जी थोड़ा सा सजा के लिखें इसको तो dy dy कम्स एस c u डिवाइडेड बाय 2 में dx बोलो ठीक है लेट्स इंटीग्रेट इट

ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ रही है वाई और में अच्छा तो इसके बेसिस इस पर मैं बात करूं तो रिवर तो, सेम सेम की विथ्थ जो है इस क्वेश्चन में दी है, पीछे नहीं दी थी, आप दोनों साथ में पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रिवर फ्लो जो है जब पार्टिकल रिवर के

अब देखो 2g से तो 2g सही हो गया यू square, square by 2 आया तो ये u square by 2 आ गया अब v square की की जो जो है वो u square by तो जो है वो वो 2 आ गई तो अपने पास कितनी निकल के आ गई सर वो u by root 2 निकल कर आ गई मतलब जब ये हाफ ऑफ मैक्सिमम height पर होता है जब ये हाफ ऑफ मैक्सिमम height पर होता है तो इसकी स्पीड u by root 2 तो फर्स्ट और second options में अपना second वाला ऑप्शन जो है वो बेटा जी करेक्ट हो चुका है ठीक है साहब अब फिर थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है वो कह रहा कि मैक्सिमम हाइट के हाफ तक पहुंचने में जो टाइम है, वो जीरो से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम का हाफ है हमने तो कहा साहब एक काम करते हैं। हाइट जो है ना टाइम के फंक्शन के फॉर्म में वो अपने पास इक्वेशन यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से डिफाइन होती है अब मैं इसमें टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम का हाफ रख देता हूं यदि ये यू स्क्वायर बाई फोर जी आ गई तो अपना ऑप्शन करेक्ट है अदरवाइज इन करेक्ट है तो यहां से यदि अपन चेक करें तो यू बाई तो यू है ही। मैक्सिमम तक पहुंचने का टाइम जो होता है वो यू बाई होता है तो उसका हाफ टाइम यू बाई साथ में माइनस का हाफ जी और साथ में अपने पास यू बाई का स्क्वायर अब देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई यू स्क्वायर

और प्रोजेक्शन एंगल जो है वो अल्फा है स्टोन की मैक्सिमम हाइट बतलानी है कि साहब मैक्सिमम हाइट कितनी है तो हमने कहा देखो ऐसा है क्वेश्चन के अप्रोच की पहले बात करता हूं कि पार्टिकल को अपन ने ओरिजिन से थ्रो किया है और ये मेरे पास ए कोमा बी की एक वॉल है उसको जस्ट क्लियर कर देता है तो अपन ने प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन ले लिया तो ये जो डिस्टेंस है वोल की ये डिस्टेंस ए कही गई थी कि वोल से ए डिस्टेंस पर और हाइट जो कही गई थी वो हाइट क्या कही गई थी बी कही गई थी तो ए कोमा बी अपन ने डाल दिया मेरी बात सही है अब मैंने कहा देखो ऐसा है इक्वेशन जो होती है ना की वो वाई टू तो एक्सटेन डीडा वन माइनस एक्स वाई आर होती है अब प्रोजेक्शन एंगल इस वाले केस में आपको अल्फा दिया गया है तो अपन एक्सटेन अल्फा भी कह सकते हैं यहां से मैं आर निकाल लूंगा मेरे को मैक्सिमम हाइट चाहिए तो एक रिलेशन होता है ना देखो मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी और रेंज जो होती है ना वो होती है यू स्क्र साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी यदि अपन इन दोनों से रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना तो आर बाई एच की वैल्यू जो है ना दोर बाई टेन थीटा मतलब मेरे पास एच की वैल्यू जो है वो आर टेन अल्फा इधर थीटा अल्फा के इक्वल है

अब ए बाई आर को तो इधर ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं तो आर की वैल्यू जो मेरे पास आएगी सोल्व करने पर दैट इज ए स्क्वायर टेन थीटा इतना तो कर लोगे डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा माइनस में बी ये अपने पास रेंज की इक्वेशन आ चुकी है अब रेंज की इक्वेशन आने के बाद मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है बहुत सिंपल सा है सर अब तो खट से जैसे इसमें डाला तो एच की वैल्यू मेरे पास आ गई ए

तो एक तो थर्ड वाला जो आंसर है वो करेक्ट है और एक सेकंड वाला जो आंसर है ना वो करेक्ट है तो सेकंड और थर्ड जो है वो है चलिए नेक्स्ट यदि थ्री देखो डियर थ्री में क्या कहा जा रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ एट एंगल अल्फा एंड बीटा एंड द स्ट्राइक एंड ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट मतलब देखिए यहां से अल्फा एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया और यहां से बीटा एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और यहां से डिस्टेंस पर पर ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो एक साथ, एक साथ पॉइंट आकर स्ट्राइक करते हैं ओके तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है हाइट ऑफ दोल मतलब ये वाली जो हाइट है ना साहब ये वाली हाइट कैपिटल एच कैलकुलेट करके बतलानी है बोलो ठीक है अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन को देखो बेटा सबसे पहले तो आपने बॉडी को यहां वाला जो है ना इस वाले को v स्पीड से और बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है बॉडी तो कहा साहब इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा a डिवाइडेड बाय v कॉस बीटा अच्छा जी दूसरे वाली जो बॉडी है उसको आपने यहां से u स्पीड से और अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है

तो उसके लिए एच टू की जगह मैं लिख सकता हूँ की तरफ चलकर आई है तो ये तो वेक्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं तो खट से माइनस लगा दिया अपन ने ये नीचे है ना और इसमें उतने टाइम में एच वन डिस्टेंस ऊपर की ओर गया तो इसके लिए एच वन की वैल्यू जो है वो मैं रख सकता हूं वी कोस बीटा

इधर वाला u sin और साथ में टाइम की बात करोगे दट इज ए अपॉन यू कोस अल्फा देखो यू तो वापस से सही हो गया और साइन अल्फा बाई वैल्यू मेरे पास आगे और थोड़ा सा पूर्वक लिखना है इसको एक और ऑप्शन प्राप्त करना है ना तो टेन बीटा को वन बाई कोट बीटा टेन अल्फा को वन बाई कोट अल्फा और उसके साथ सोल करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी ए कोट अल्फा माइनस में कोट बीटा डिवाइडेड बाई कोट अल्फा कोट बीटा तो यदि अपन यहां से बात करते हैं ना बेटा तो एक तो अपने पास फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है है वो करेक्ट आ रहा है, और एक अपने पास सेकंड वाला जो ऑप्शन है, है तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर ठीक चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या पहले पढ़े फिर अप्रोच की बात करते हैं Vectors, cap, 3, cap, uh, मतलब एक यूनिट वेक्टर इक्वली टू वेक्टर्स i कैप 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 दूसरा घूर घूर के देखो तो ये तीनों खुद भी क्या है यूनिट अब सुनना मेरी बात को इंक्लाइंड है मतलब एक वेक्टर जो इसके साथ जितने एंगल पर है उसके साथ भी इतने एंगल पर और इसके साथ भी इतनी एंगल पर है तो यदि मैं तीन वैक्टर्स का डॉट दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी जो होता है ना वो ए बी है बोलो सही है अच्छा देखो ये भी यूनिट वेक्टर और ये भी क्योंकि हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी तो यूनिट वेक्टर है तो ये भी यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट वेक्टर और इक्वली इंक्लाइंड है इसका मतलब उस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट थीटा सेम है मैग्नीट्यूड सबका वन है तो तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए सेम बोलो सिंपल अप्रोच समझ में आया चलिए जी सर अब अपन अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो मैंने कहा देखो मान लो कि वो जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अच्छा जी तो पहले वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे ना आई कैप के साथ तो ए आएगा अब दूसरे वाले वेक्टर की बात करें दूसरे वाला वेक्टर है -2i कैप z कैप 2k कैप 3 तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा का 2a का b और प्लस का 2c डिवाइडेड बाय 3 और तीसरा वाला जो वेक्टर है वो है -4j कैप -3k कैप तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो -4b में 3c डिवाइडेड बाय 5 बोलो ठीक अच्छा अब देखो यहां से जरा इनको पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले इनको सोल्व करते हैं थ्री तो ए की वैल्यू जो है वो है? 2A, प्लस B, प्लस है।, मतलब जो है वो किसके इक्वल इक्वल आ रही के दोनों की बात करूव ए तो की वैल्यू जो है वो माँणस 4B, माँणस 3C के इक्वल ठीक दो इक्वेशन बन गई एक काम करो इन दोनों को बराबर रख दो जैसे इक्वल पुट किया बी प्लस टू सी

मतलब हमारा जो आंसर है उसमें A का 5 C है A का टाइम्स के इक्वल होना चाहिए तो और अलावा कोई भी चीज अब अपने मतलब रिजल्ट में इतनी चीज से अपन को कंक्लूजन देना है तो यदि यहां से बात करते हैं बेटा आओ जरा ऑप्शंस के साथ खेलें <tossil> इसमें क्या फाइव और सी इक्वल है बिल्कुल है साहब एक को यदि डाला तो फाइव डाला है और सी की वैल्यू माइनस बी के इक्वल है बिल्कुल है तो पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया इसमें क्या फाइव ए सी के इक्वल है फाइव ए सी के इक्वल है पर सी क्या माइनस बी के इक्वल है नहीं है तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया इस वाले में क्या फाइव ए सी के इक्वल है नहीं है साहब माइनस माइनस फाइव ए सी के इक्वल है तो ये वाला गलत हो गया फिर इस वाले में क्या फाइव ए सी के इक्वल है बिल्कुल है और सी माइनस बी के इक्वल है इक्वल है

कि जैसे दो सिटीज है ना ए और बी और एक इनके बीच में घूम रहा है टाइम ये यहां था इसको इधर जाने वाली एक बस यहां से क्रॉस कर रही है और यहां से बी वाली भी क्रॉस कर रही है तो पीछे से जो बस होगी जो इधर से आ रही होगी भाई वो बस तो कैपिटल टी टाइम में निकल रही है तो दो बसों के बीच की डिस्टेंस वीबी इंटू कैपिटल टी होगी लो इधर से क्रॉस करने वाली कोई बस एग्जैक्टली exactly इसके साथ इस मीटिंग पॉइंट पर है तो पीछे वाली इससे बस, बस, तो बस यहां से चलकर आएगी कितना वी बी और जो है, वो चल के आया कितना वे दोनों का एक ही पॉइंट पर पहुंचाना है साइक्लिस्ट चलकर आया तो डायग्राम से देखो इट इज वेरी मच क्लियर साहब वीबी इंटू कैपिटल टी जो है प्लस में वीसी सी इंटू टी वन जो है वो वाली वैल्यू वीबी इंटू टी वन के इक्वल है तो यहां से मैं वन की वैल्यू सोल्व करूंगा तो वन की वैल्यू तो मेरे पास वीबी इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाय वीबी माइनस वीसी के इक्वल आ रही है वो गिवन है थर्ड वाले ऑप्शन में अब फोर्थ वाले ऑप्शन की बात है

VB into T2 और साइकिल वाला भाई साहब इधर चलकर आया कितना VC into T2 तो देखो यहां से मैं कह सकता हूं ये वाले डिस्टेंस दिस प्लस दिस तो टाइम T2 की वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट वैल्यू इज VB into capital T divided by VC plus में VB ये अपने पास टाइम T2 की वैल्यू आ गई जो फोर्थ ऑप्शन में गिवन तो है तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगी बोलो ठीक है बेटा बढ़ाएं आगे चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या कहा जा रहा है

बोलो सही ना अप्रोच का पहला तरीका कि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहला यही काम करना होता है कि वाई कोऑर्डिनेट को सेम टिकाओ जैसे ही मैंने कहा देखो इसका कोऑर्डिनेट तो होगा t, में square, बोलो सही है क्या यू इंटू टी माइनस में हाफ जीटी स्क्वा और दूसरे वाली बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट होगा हंड्रेड साइन थीटा इंटू टी माइनस में हाफ जी टी हमने कहा यहां से सोल्व करोगे ना

तो फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो गया कि कोलिजन के टाइम उनकी स्पीड सेम नहीं है फिर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इट इट इज पॉसिबल पॉसिबल दैट पार्टिकल कोलाइड व्हेन बोथ ऑफ देम आर एट पॉइंट मे बी क्योंकि वाई वेलोसिटी हमेशा सेम होगी मतलब सेम टाइम पर सेम हाइट पर होंगे मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी तो कोलिजन कभी भी हो सकती है वो डिपेंड करेगा इस एक्स की वैल्यू पर तो कोलिजन किसी भी प्लेस पर हो सकती है तो इट मे बी पॉसिबल कि कोलिजन के टाइम दोनों मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर हो बिल्कुल ठीक बात है साहब तो टू और फोर करेक्ट हो गए नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पॉइंट थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करनी है चलिए जी सर देखो बेटा यदि मैं थर्ड वाले ऑप्शन को लेकर बात करता हूं मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट पर वेरिएशन डालना है देखो मैं ये कहूं कि ये वाली बॉडी यहां है ना कुछ ऐसे और दूसरे वाली बॉडी जो आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है ये जो है ये चल रही है कितना ये वाली चल रही है 160 सिक्सटी थीटा इंटू टी और सॉरी 100 कोस थीटा इंटू टी और ये वाली चल रही है 160 सिक्सटी कोस थर्टी इंटू टी तो मैं कहूं ये जो है वन सिक्सटी कोस थर्टी इंटू टी वो अपने पास x प्लस इंटू टी के इक्वल होगा तो यहां से टाइम टी की वैल्यू जो आ रही है ना वो मेरे पास एक्स डिवाइडेड बाई माइनस में कॉस फिफ्टी थ्री थ्री बाई फाइव इक्वल आ रही है बोलो ठीक और उसने कहा कि यह मिड एयर में कोलिजन हो रही है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यही है अब मिड एयर में कोलिजन हो रही है मतलब ये टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट से ये वाला जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट से लेसर है अब टाइम ऑफ फ्लाइट सोल्व करोगे तो टू यू साइन सिक्स टू यू साइन थी सिक्सटी साइन थर्टी की वैल्यू जो आ रही है ना साहब वो मेरे पास आ रही है 80. तो टाइम ऑफ फ्लाइट सोल्व डिवाइडेड बाई जी दैट वैल्यू इज सिक्सटीन सेकेंड मतलब ये वाली वैल्यू जो है दिस वैल्यू शुड बी लेस देन सिक्सटीन बोलो इफ दिस इज लेस देन सिक्सटीन एक्स इज लेस देन वन टू एट जीरो रूट थ्री माइनस में नाइन सिक्सटी एक्स की वैल्यू इससे लेसर होगी तभी कोलिजन होगी तो यदि यहां से बात करें तो साहब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है सेकंड वाला भी करेक्ट और फोर्थ वाला भी करेक्ट बोलो ठीक चलिए तो फिर बात को आगे की ओर बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सेवन प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और इनक्लाइंड प्लेन पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है

देखो यदि आप किसी बॉडी को ये वाला एंगल थीटा और यहां से यू स्पीड से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं और यह बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ ऐसे जाते हुए गिरती है और ये वाली हाइट एच वन आती है ना तो एच वन की वैल्यू होती है आपको यदि याद हो तो यू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए परपेंडिकुलर से अपन याद करते हैं सीधा सीधा बोलो ठीक है तो ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है ये वाली वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा

टू यू साइन अल्फा टू यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए theta. तो रेंज जो आएगी पहले वाले केस में तो आर वन की वैल्यू जो आएगी वो यूएक्स इंटू मै टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर इक्वल आएगी टी वन और टी टू टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए इक्वल होंगे और आर टू जो आएगा वो यूएक्स इंटू मै टी टू प्लस में हाफ और z का कंपोनेंट लेना एक्चुअली दैट इज z साइन थीटा इट इज नॉट z इट इज z साइन थीटा इधर z साइन थीटा इनटू में t2 स्क्वायर भाई मैंने इनटू t पहले मैं ऊपर जा रहा था तो माइनस में लगेगा और दूसरे में इधर आ रहा है तो u कोस अल्फा भी इधर है और z साइन थीटा भी इधर है जैसे ही मैं दोनों के रेंज का डिफरेंस लेता हूं r2 r1 t1 दोनों दोनों का बराबर बराबर है, है तो तो और ये दोनों add हो तो ये आउट हो गए ये और दोनों बराबर है तो अपन इन ऑप्शंस को सजा कर लिखना चाहें तो इन दोनों ऑप्शंस को सजा कर कुछ इस टाइप से भी रख सकते हैं. बोलो ठीक तो यहां से यदि मैं बात करता हूं ना बेटा तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर जो है वो मेरे करेक्ट आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर्स की बात करूं तो वन थ्री एंड फोर करेक्ट आंसर्स होंगे बोलो ठीक चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 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 नंबर नंबर एक बहुत अच्छा सा question है question number eight की यदि मैं बात करूं question में कहा गया दैट ए मंकी क्लाइंब सबसे स्लिपरी पोल फॉर थ्री एंड सब्सिक्वेंटली स्लिप फॉर थ्री सेकंड मतलब एक मंकी है एक पोल पे चढ़ना चाह रहा है शुरू के तीन सेकंड में तो ऊपर जा रहा है फिर तीन सेकंड तक स्लिप होकर नीचे आ रहा है

को दी गई है t टूटी 7 में 3 t एक बार देख ले यही तो हो ना हाँ बिल्कुल यही दी गई है तो मैं यहां से देखो बेटा यदि ये, ये वेलोसिटी कुछ इस टाइप से है तो थोड़ा सा सजा के लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 6t में 2t2 और इस वेलोसिटी का मैक्सिमा चाहिए मतलब एक्सीलरेशन 0 रखना है तो 0 रखते ही 6 में 4t 0 आया मतलब t की वैल्यू जब 3/2 है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है फिर दूसरे वाले ऑप्शन में इसकी एवरेज वेलोसिटी के मैक्सिमा की बात की गई है तो डियर यदि आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एक्स टू जीरो से शुरू कर रहा है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो एवरेज वेलोसिटी यदि आप निकालोगे तो वो मेरे पास आएगी थ्री टी माइनस में टू टी स्क् और आपको इसके मैक्सिमा की बात करनी है मतलब इसको करो करो और जीरो के इक्वल पुट तो तो ना डियर बाई फोर मतलब टाइम की वैल्यू जो आ रही है वो टू पॉइंट टू फाइव सेकेंड अपने पास आ गई इस टाइम पर बॉडी की एवरेज स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी इस पर इंस्टेंटेनियस स्पीड मैक्सिमम होगी

तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो निकल कर आएगा 9 मतलब मंकी पहले 9 मीटर अपवर्ड मूव करके गया है फिर उसके बाद उसके बाद उसकी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है ना वो मेरे पास कुछ इस टाइप से है उसके बाद की उसकी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो मेरे पास 6 t में 3 t के अकॉर्डिंग है मैंने माइनस को एडजस्ट कर दिया है तो उसकी वेलोसिटी निकल कर आएगी t2 9t प्लस में 18 अब यहां से यदि मैं एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनाता हूं ना तो मंकी के एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आएगी दिस इक्वेशन कम्स आएगीवेशन कम्स्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस में नाइन टी टू, प्लस में ट्वेंटी सेवन बाई टू इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ना तो इंटीग्रेशन में लिमिट नाइन से एक्स तक लगाऊंगा तो कुछ ऐसी इक्वेशन निकल कर आएगी अब ऐसी इक्वेशन निकल कर आएगी जैसे इसमें मैं

तो इसके लिए यदि अपन बात करें मंकी को टॉप तक पहुंचाना अपने को हमने कहा साइकिल गिनना है कौन से साइकिल में तो जीरो से शुरू किया सबसे पहले नाइन तक पहुंचा ये वाली लाइन नाइन की फिर फोर पॉइंट फाइव तक आया ये वाली लाइन फोर पॉइंट फाइव की फिर नाइन अप, अपवर्ड मूव करके गया मतलब ये वाली लाइन थर्टीन की फिर फोर नीचे आया मतलब नाइन तक वापिस आ गया ये वाली लाइन नाइन की फिर उसके बाद नाइन से

टारगेट हॉरिजॉन्टली डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे की ओर है और सेम गन से मुझे इस टारगेट को हिट करना है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए तो मुझे यह बतलाना है कि कम से कम देखो पहले तो सिचुएशन को समझते हैं अपन कि सिचुएशन क्या है साहब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां से यदि मैं पार्टिकल को फायर करता हूं तो मैक्सिमम रेंज अचीव करने के बाद भी यह वाली जो डिस्टेंस है यह वाली डिस्टेंस मेरे पास डेल्टा एक्स आगे रह जाती है

माइनस यू साइन थीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट साथ में माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगी बोलो हाँ या ना अरे यस और नो यदि मैं इसको प्रोजेक्शन पॉइंट कह दूं तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया क्या आर प्लस डेल्टा एक्स साथ में कितना माइनस ऑफ एच आर प्लस डेल्टा एक्स साथ में कितना माइनस ऑफ एच तो वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लगा दी अब इस टाइम की जगह मेरे को क्या रखना है टाइम की जगह मैं आर प्लस डेल्टा एक्स

और एडवांस में भी आते हैं चलिए अपन इनका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ टाइप से है कि इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन फॉर ऑफ़ टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन फॉन्ड रिफ इट ग्रेटेस्टिटी टू द nearest इन इट इज गिवन दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एम इज टू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एस थ्री चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो स्टेशन के बीच में एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से रेस्ट में मूव कर रही है दो स्टेशन के बीच में एक ट्रेन रेस्ट से रेस्ट में मूव कर रही है पहले यूनिफॉर्मली एक्सीटेड है फिर कॉन्स्टेंट स्पीड से है फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है अच्छा जी साहब और ग्रेटेस्ट स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो निकालना है मैंने कहा मान लो ग्रेटेस्ट स्पीड जो आती है ना बॉडी की वो वी मैक्स है ग्रेटेस्ट स्पीड है मैक्स ओके सर सपोज बॉडी में को जब ये यूनिफॉर्मली है तो टी वन टाइम लगता है अच्छा जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूविंग है ना तो टी टू टाइम लगता है और जब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है तो टी थ्री टाइम लगता है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड में टी वन

टू एस डिवाइडेड बाई एम इंटू वी मैक्स के इक्वल आएगी बोलो सही बोले जी ठीक। फिर दूसरे वाले केस में यूनिफॉर्मली रिटार्डेड तो बॉडी तो तो कितना चली एस बाई एन और एस बाई एन की वैल्यू मेरे पास वन बाई टू इंटू में किसके इक्वल आएगी बोले टी थ्री थ्री जो मेरे पास निकल कर आया वो डियर टू एस डिवाइडेड बाय n into v मैक्स आ गया बोले जी ठीक है फिर तीसरा इस वाले टाइम ड्यूरेशन में बॉडी कितना चली मैंने कहा साहब बॉडी चली v मैक्स t2 और उसकी वैल्यू जो है वो s 1 1 by m 1 by n के इक्वल होगी बोलो एग्री कर रहे हो क्या क्योंकि भाई s by m इसमें चल गई s by n इसमें चल गई तो इसमें s s by m s by n चलेगी यहां से टाइम टी टू की वैल्यू जो है वो एस, वन वन अच्छा एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड एस टोटल टी मतलब यदि यहां से निकालना चाहूं देखो टोटल तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो जैसे ही तुमने टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री किया ना ये वाला डाटा है टू एस बाई एम वी मैक्स ये वाला है टू एस बाई एन वी मैक्स और इसको साथ में वन प्लस वन बाई एम माइनस वन प्लस वन बाई एन आ रहा है बोलो सही है क्या देखो इसमें ट्वाइस है इसमें माइनस में वन है इसमें भी ट्वाइस है तो प्लस वन बच जाएगा

और अपने से नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है तो नियरेस्ट इंटीजर की बात करें डियर देन टू इज करेक्ट आंसर बोलो ठीक चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दिमाग काम कर जाए तो खट से देखना जरा मेरे वाले अप्रोच को आप समझे क्या क्वेश्चन में कहा गया कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए मतलब मैंने कहा रिजल्टेंट जो है वो साब इधर है ठीक है और ई वाला जो एंगल है ये 90 है ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल कितना है 30 ये वाला 30 है तो ये वाला कितना है 60 बोले जी ठीक है और पूछा गया है कि व्हाट इज तो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2√3 रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है देखो यदि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है तो वेक्टर बी का जो इधर वाला कंपोनेंट है जिसको मैं कहूंगा इट इज बी को 60 उसने ए को बैलेंस किया है बोलो हाँ या ये ये बराबर हो, तो तो हो गया तो के इसके वाला ये वाला कंपोनेंट गया परपेंडिकुलर समझ में आया अप्रोच बहुत सिंपल है तो साहब यहां से ए जो है वो बी बाई टू के इक्वल है यदि ए मेरा बी बाई टू के इक्वल है तो साहब बी की वैल्यू तो टू ए की वैल्यू टू रूट थ्री दे रखी है तो बी का मैग्नीट्यूड जो है फोर रूट थ्री आ गया बोले जी ठीक है अब रिजल्टेंट का किसके इक्वल होगा बी का इधर वाला कंपोनेंट मतलब जो साइन सिक्सटी है अब डाटा तो uh, तो मतलब तो इक्वल आ गया सिक्स के इक्वल आ गया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो मेरे पास आया सिक्स बोलो ठीक चलिए जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भी एक एक लॉजिकल सा मतलब अप्रोच का क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हिट हो जाता है देखिए जब अपन किसी पाथ के ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो अपन कहते हैं टेंजेंशियल जो होता है वो स्पीड में वेरिएशन को बतलाता है और रेडियल एक्सिलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है बोलो सही है क्या ऐसा क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था सिंगल चॉइस वाले में तो हमें क्या दिया गया चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूविंग है और किसी इस मोमेंट पर तो मैंने कहा था आप देखो ऐसा वेलोसिटी को यदि मैं लिखना चाहूं तो वेलोसिटी है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप और एक्सिलरेशन जो है वो है साहब मेरे पास टू आई कैप प्लस जे कैप तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सिलेशन को ही बोलते हैं। मतलब acceleration का वो component जो velocity direction वो जो की की में हो, से बतलाया जाएगा? तो 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 मेरे को A cos theta निकालना है, तो यदि मैं डाल के होती क्या? मेरा अप्रोच समझ में आ गया क्या तुम लोगों को बोलो सही है। tangential acceleration, बोला velocity का acceleration का velocity के तो a cos थीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास वी डॉट बाय v के इक्वल आई अब थ्री 2 दैट इज 6 एंड प्लस 10 डिवाइडेड बाय स्पीड स्पीड जो अपने पास इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है तो a cos सेकंड स्क्वायर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 बोलो ठीक

कि मोशन के ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज बोले तो एरिया अंडर दि कर एक्सिलरेशन सेम है रिटार्डेशन सेम है चलिए अप्रोच को समझते हैं टाइम टी निकालना है मैंने कहा साहब यदि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन सेम है तो बॉडी को यदि इधर टी सेकंड लगने ना इसका मतलब बॉडी को इधर भी टी सेकंड लग रहे हैं अब इधर टी लग रहे हैं इधर टी लग रहे हैं इसका मतलब बॉडी को इधर कितने लग रहे हैं बोला बॉडी को इधर 25 2t सेकंड लग रहे हैं। बोलो सही बोला जी ठीक है हाँ की ना अच्छा यदि एक्सीलरेशन जो है वो 5 है तो मैक्सिमम स्पीड किसके इक्वल होगी 5t के बोलो हाँ की ना तो मैंने कहा टोटल डिस्टेंस जो होगी s उसकी वैल्यू मेरे पास 1/2 5t2 पहले इसका एरिया प्लस इसका भी तो एरिया बराबर ही है तो इसको डबल कर दो ना यही पर दोबारा लिखने की क्या जरूरत है प्लस में फाइव टी में 25 में ट्वेंटी में मैंने टू टी रख दिया बोलो ठीक है क्या सर अच्छा तो ये डाटा मेरे पास फाइव टी में टोटल डिस्टेंसिस फाइव टी इंटू में ट्वेंटी फाइव माइनस में टू टी आ गया अच्छा जी साहब

माइनस में ये तो 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 दो वैल्यूज आ गई एक तो टाइम आ गया फाइव और एक आ गया ट्वेंटी मेरे को लेसर वाला ही लेना है वो तो, तो दो वैल्यूज है ना देखो एक ये वाले टाइम को बता रहा है ये वाला फाइव है और ये वाला बेटा ट्वेंटी है तो हमें ये वाला ये तो बताना है कितना टाइम आया फाइव आ गया सो फाइव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बोलिए ठीक चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट अपना जो है क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि एक बटरफ्लाई जो है उसकी वेलोसिटी दे रखी है टेन आई कैप प्लस ट्वेल्व जे कैप और विंड की वेलोसिटी विंड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग यू स्पीड से मूविंग है बटरफ्लाई पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और पॉइंट बी पर पहुंचती है तो यू की वैल्यू चाहिए अप्रोच समझना जरा ना कि यदि बटरफ्लाई पॉइंट ए से शुरू करके विंड में पॉइंट बी तक पहुंचती है ठीक है से 37 डिग्री एंगल पर तो बटरफ्लाई की ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है उन दोनों का रेशियो जो आना चाहिए वो मेरे पास थ्री बाई फोर के इक्वल आना चाहिए बोलो सही है क्या बोले जी ठीक है अब बटरफ्लाई की वेलोसिटी

तो बटरफ्लाई विंड में फ्लाई कर रहा है तो 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 के में 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 इसकी velocity ये है है तो है जब आप बात करोगे तो इधर आएगा और जिसकी value यू दे रखी ठीक तो बोलो है क्या सर अरे बात सेट है क्या बोला जी ठीक अब इन दोनों का रेशियो भाई बटरफ्लाई रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का रेशियो मेरे पास थ्री बाई फोर आना चाहिए so 12 डिवाइडेड बाई टेन प्लस यू ये थ्री बाई फोर के इक्वल आना चाहिए कैंसिल आउट हुआ फोर टाइम्स तो टेन प्लस इधर गया और इधर वाला डाटा मेरे पास आ गया 16, तो यहां से सोल्व करने पर यू की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है so बेटा चलिए आगे बढ़ाते हैं सर बात को फाइव के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो डियर सिक्स में क्या कहा जा रहा है कि वेलोसिटी और डिस्टेंस का डायग्राम दिया गया एक मोटरसाइकिलिस्ट का डिटरमाइन टाइम नीडेड फॉर द मोटरसाइकिल टू रीच द पोजिशन एस एज टू वन ट्वेंटी मीटर पर मतलब यहां से शुरू करना और एस एज टू वन ट्वेंटी तक पहुंचना है ना तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो बतलाना है देखो सुनो जरा बात को डायग्राम कैसा है ये 60 है ये 120 है यहां स्पीड है 15। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं साहब इस वाले में तो बॉडी को चार सेकंड का टाइम लगा नहीं क्या 60 से 120 जाना है मतलब 60 मीटर जाना है 15 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज द टाइम 120 माइनस सिक्सटी डिवाइडेड बाई फिफ्टीन दैट इज अ फोर

15 माइनस 3 12 डिवाइडेड बाय 60 इट इज 1/5 चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड में डिस्टेंस में एक रिलेशन आएगा जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे v तो माइनस 3 कम्स एस s 5 मतलब मैं बीच में इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं आप डायरेक्टली भी निकाल लो तो वेलोसिटी जो है वो डियर मेरे पास 15 s डिवाइडेड बाय 5 आ रही है और इसको अपन डीएस बाई डी रख सकते हैं बोलो हां की ना बोले हाँ। तो डी की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आ गई फाइव साथ में डीएस डिवाइडेड बाई फिफ्टीन प्लस एस बोलो ठीक है मेरे को टोटल टाइम निकालना है तो लेट्स इंटीग्रेटेड एस की वैल्यू तो जीरो से सिक्सटी टिका दो और ये जीरो से टी टिका दो तो टी की वैल्यू आई फाइव और लॉग ये आ गया फिफ्टीन प्लस एस जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी है एक बार एस के प्लेस पर जीरो और एक बार प्लेस पर सिक्सटी तो यह है so, साथ 5 इन में मतलब ये वाला डाटा आयाट सेकेंड लग रहा है इसमें बॉडी को फोर सेकंड लग रहा है तो टोटल तो टाइम की यदि बात करें तो टोटल तो टाइम आ गया अपने पास कितना ट्वेल्व सेकेंड बोलो ठीक है सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्वेल्व ओके डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए सेवंथ एक आसान सा क्वेश्चन है यदि आपको जी इफेक्टिव वाला कंसेप्ट पता है ना कि यदि एक लिफ्ट ए एक्सिलेशन से एक्सीटेड है और एक बॉडी को इसमें यू स्पीड से इधर थ्रो करते हैं तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है ना वो टू यू डिड बाई जी इफेक्टिव के इक्वल आता है यदि आपको ये पता है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी और मेरे अकॉर्डिंग याद भी होना चाहिए बेटा कि इसको ऐसे अप्रोच लगाते जरा कि फ्रॉमिंग अपवर्ड यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन टू मीटर पर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड रिलेटिव होता है ना कि लिफ्ट के रिलेटिवली बॉडी को 12 मीटर पर सेकंड से फेंका गया लिफ्ट अपवर्ड जा है 2 से रिलेटिव एक्सीलरेशन जी ए टिका देते हैं डाउनवर्ड जाती तो जी माइनस ए टिका देते सीदा, सीदा, है, G, है तो देखो बेटा ए की वैल्यू टू जी की वैल्यू टेन तो ट्वेल्व बाई तो गया यहां से अपने पास बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट जो कर आया द टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू सेकेंड फॉर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू सेकेंड बोलो ठीक है चलिए जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर एट अच्छा क्वेश्चन है पहले समझते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर अप्रोच को देखते हैं देखिए एट्थ में कहा जा रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल डिग्री विद स्पीड मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट एज सॉन इन द फिगर एट द सेम टाइम द वेज इज मेड टू मूव विद स्पीड टेन रूट थ्री मीटर पर सेकेंड टू राइट एस सोन इन दिगर टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द वेजेस पहले क्वेश्चन को समझते हैं बेटा ना कि ये बेटा अपने पास एक वेज है ना यहां पर और यहां पार्टिकल फेंका आपने कुछ टाइम के बाद पार्टिकल वेज से स्ट्राइक करता है मान लो यहां स्ट्राइक किया तो ये डिस्टेंस तो पार्टिकल चल के आया किसके इक्वल Ux एक्स इंटू के बोलो हाँ कि ना t टाइम में मान लो वेज वी डब्ल्यू चलकर आया वी डब्ल्यू स्पीड से तो ये डिस्टेंस वेज चलकर आया वी डब्ल्यू इंटू टी के बोलो हाँ कि ना बोले हाँ और ये जो है ये ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में बोलो यस और नो बोले हाँ मेरी बात को समझना पार्टिकल वेज पर कोलाइड कर रहा है तो ये जो दोनों का डिफरेंस है यूएक्स इंटू टी यदि वेज का एंगल थीटा है तो भाई साहब वाई डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू इंटू टी माइनस में यूएक्स इंटू टी जो है वो टेन थर्टी बोले तो वन बाई रूट थ्री के इक्वल होगा मतलब रूट थ्री इंटू में अब आओ जरा पार्टिकल पे पार्टिकल की स्पीड है टेन रूट थ्री और यहां से कितने डिग्री के एंगल पर फेंका गया है सिक्सटी डिग्री के एंगल पर फेंका गया है टेन रूट थ्री साइन सिक्सटी वाई वेलोसिटी बोले तो कितनी 15, तो y coordinate तो तो वेरी करेगा और और ये वाला डाटा जो इसमें से अपन तो ने डाला कॉमन वेज की वेलोसिटी दी गई डायरेक्शन में 10 root 3, और पार्टिकल की निकालोगे तो पार्टिकल की आएगी टेन रूट थ्री कोस बाई टू तो फाइव रूट थ्री अच्छा देखो रूट थ्री तो मुन्ना सही हो गया एक टाइम टी जो है वो भी शहीद हो गया तो इधर तो बचा फिफ्टीन माइनस में फाइव टी और इधर जो डाटा बच रहा है वो मेरे पास 10 5, बोले तो तो बच रहा है ये ये थ्री टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ये वन टाइम हुआ तो ये थ्री वन two, मतलब पार्टिकल, दो सेकेंड के बाद वेज से स्ट्राइक करेगा अप्रोच डायग्राम बनाओगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्लियर

ये स्क्वायर है हंड्रेड बाई हंड्रेड का इधर स्क्वायर 100 100 50 50 मतलब किसी आदमी को सुकून नहीं था जीवन में और बीच में मिट्टी डाल दी थोड़ी सी है ना अच्छा दिस स्क्वायर ही कैन वॉक एट अ स्पीड वन मीटर पर सेकंड मतलब इस वाले इस मिट्टी के अलावा जो सेंड के अलावा पार्ट है उसमें उसकी स्पीड वन मीटर पर सेकंड हो सकती है

इधर इधर वन वन चला, वन से चला, चला, से से इसमें वी वी नोट नोट और वो नोट कुछ ऐसी वैल्यू है, वैल्यू है, स्मॉलेस्ट धीरे तो पहुंचेगा मतलब ज्यादा टाइम लगेगा लेट पहुंचेगा ये शॉर्टेस्ट टाइम का पाथ हो जाएगा बात समझ गए चलिए तो अपन अप्रोच की बात करते हैं क्वेश्चन के लिए मैंने कहा साहब पहले तो इसको इधर से बीच से पहुंचाई देते हैं सीधा सीधा ना देखो डिस्टेंस की बात करोगे ना तो मुन्ना ये डिस्टेंस तो आएगी ट्वेंटी फाइव रूट टू मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ज्योमेट्री के साथ तो खेल ही लोग वाली डिस्टेंस होगी ट्वेंटी फाइव रूट टू तो टोटल हंड्रेड रूट टू होगी तो इसमें जो टाइम लगेगा ना बॉडी को ट्वेंटी फाइव रूट टू प्लस ट्वेंटी रूट टू डिड बाई स्पीड है वन और इस 50√2 में स्पीड है v नोट तो 50√2 डिवाइडेड बाय v डाल देते हैं एक बार फिर दूसरा बाहर से शॉर्टेस्ट पाथ तो देखो मुन्ना बाहर से जो शॉर्टेस्ट पाथ आता है तो बाहर वाला शॉर्टेस्ट पाथ कि बॉडी पहले यहां से यहां तक जाए तो ये 75 ये 25 तो ये वाली जो डिस्टेंस आती है तो 75 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर दैट इज 25√10 और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये वाली डिस्टेंस भी ट्वेंटी फाइव रूट टेन इधर से इधर इधर से इधर तो इसमें जो टाइम लग रहा है वो लगा ट्वेंटी फाइव रूट टेन दट इज फिफ्टी रूट टेन डिवाइडेड बाई स्पीड इज वन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला डाटा इस डाटा से कम है तो मैंने इसमें फिफ्टी रूट टू को तो कॉमन डाला ये वाला डाटा आया वन प्लस वन बाई तो साहब फिफ्टी रूट टू तो 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 भाई साहब से गया तो गया. और root 2 ये ये कैंसिल आउट हुआ आ गया. तो 1 by v की वैल्यू जो है के लिए यदि अपन बात करते हैं तो इक्वल वाले केस में बात कर लेंगे सोल्व करोगे ना तो बेटा ये स्मोलेस्ट की वैल्यू जो वी नोट आता है वो स्मोलेस्ट वैल्यू है सोल करने पर ये वाली वैल्यू 0.81 के इक्वल आ रही है अब यह 0.81 के इक्वल आया और आपसे वैल्यू पूछी गई किसकी 1 प्लस सॉरी वी नॉट प्लस 1.19 एंड दैट वैल्यू इज एप्रोक्सीमेटली वी नॉट प्लस 1.19 की बात करें तो ये वाला डाटा अपने पास आ गया कितना 2 इस वाले केस में यदि वो 1 0.81 मीटर पर सेकेंड से थ्रू आउट द सेंट चलेगा

कि मिनिमम स्पीड तब होती है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में ऐसे एंगल होता है तो मिनिमम स्पीड तब होती है जब वेलोसिटी केवल एक्सिलेशन के परपेंडिकुलर वाल वाली बचे के उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो हो जाए ये तो अप्रोच पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखो क्या कह रहे करें फिगर शोज द वेलोसिटी एंड एक्सिलेशन ऑफ ए पॉइंट लाइक बॉडी एट इनिशियल मोमेंट ऑफ इट्स मोशन स्टार्टिंग के टाइम बताया गया है सिक्स है यह ट्वेंटी फोर है और यह एंगल फोर्टी थ्री है अच्छा

थर्टी सेवन दाई फाइव और इधर वाला आ गया इस फोर साइन थर्टी सेवन ट्वेंटी फिर इसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसा ही कंसेप्ट पड़ते हैं तो मिनिमम कब होगी जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्शन में वेलोसिटी की इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप दैट वैल्यू इज नाइनटी सिक्स बाई फाइव

और आप नियरस्ट इन में बात करेंगे तो नियरेस्ट इन में ये वाली वैल्यू आएगी थ्री ओके डियर तो इस सेशन में हमारी तरफ से इतना ही बाकी आपके लिए इंफॉर्मेशन यही है कि डीसीएम स्टार्ट हो चुका है तो ज्वाइन तो करना ही है और उसको फुल फ्लैश मोड में मतलब एक कंप्लीट रिविजन पैकेज है प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बेटा जी ना मेन्स में ना एडवांस में कहीं भी आपको दिक्कत फील नहीं होगी चलिए सर मिलते हैं फिर बाद में तब तक के लिए गुड बाय